नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष पर ग्रह नक्षत्र धर्म इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, खगोलीय घटना है, ज्योतिषीय घटना है, उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। क्या है ये घटना? ये घटना है 21 जून 2020 रविवार के दिन आषाढ़ी अमावस्या के दिन पड़ने वाला कंकण सूर्य ग्रहण। रविवार के दिन पड़ने कारण इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। ये ग्रहण मिथुन राशि, मृगशिरा तथा आद्रा नक्षत्रों पर पड़ रहा है। ग्रहण के ऊपर ग्रहण में ग्रहण राशि के स्वामी बुध, जो कि अस्त भी रहेंगे 22 जून से लेकर 10 जुलाई तक, वक्री भी रहेंगे 12 जुलाई तक, वो हैं। साथ में सूर्य, चंद्र, राहु इनके साथ हैं। इनसे सप्तम में केतु, इन पर दृष्टि डाल रहे हैं। परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है मंगल की पड़ने वाली दृष्टि, चतुर्दृष्टि, क्योंकि मंगल मीन राशि में 18 जून को प्रवेश करेंगे। तो ये एक हिंसक दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो एक हिंसक छुपे रूप में हिंसक मंगल की दृष्टि ग्रहण के पॉइंट के ऊपर पड़ रही है 21 जून को। देखिए 21-22 जून का दिन सबसे लंबा भी होता है, और सूर्य, चंद्र, राहु, केतु इत्यादि के अंश भी लगभग बराबर ही हैं। तो ये ग्रहण चूड़ामणि ग्रहण, कंकण ग्रहण इसलिए है क्योंकि पूर्ण ग्रहण नहीं है। मैक्सिमम ग्रहण का जो ग्रास है 99.4% है इस ग्रहण का, जो कि देहरादून में होगा। ये ग्रहण जो है उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इनके उत्तरी भागों में है। इस ऐसे ग्रहण का बहुत बड़ा महात्म्य होता है, जो तक वेदों में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, वेद शास्त्रों में। इस ग्रहण के असर हर लगन और राशि पे पड़ेंगे, हर लगन राशि पे मेष से भीतर। ये ग्रहण जो है 21 जून को 9:16 पर आरंभ होगा। इसका कंकण अथवा टोटेलिटी जो है 10:19 पर, यानी सूर्य की छाया कटनी शुरू हो जाएगी, सूर्य पर छाया आनी शुरू हो जाएगी 10:19 पर। ग्रहण का मैक्सिमम जो एक्लिप्स है वो 12:10 पर है, 36 सेकंड के आसपास जो है 99.4% जो है ये देहरादून में। बाकी उत्तर भारत में ये लगभग 80 से लेकर 96-98% तक है, दक्षिण भारत में 60 से लेकर 80-85% तक रहेगा। ग्रहण का जो है मैक्सिमम 12:10 पे, अमावस्या भी 12:11 पे अमावस्या समाप्त हो जाएगी। ग्रहण का जो कंकण है यानी ग्रास जो है कटना है 2:02 पे समाप्त हो जाएगा, और ग्रहण का पूर्ण का अंत जो है 3:04 पे है। नया जो पक्ष है 12:11 पे यानी न्यू मून हो जाएगा शुरू, और टोटल ड्यूरेशन जो ग्रहण की समय है 5:48। हर लगन के बारे में, राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो ग्रहण है मृगशिरा और आद्रा नक्षत्रों में पड़ रहा है, तो जो लोग, यद्यपि हर लगन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा हर राशि में, परंतु जो लोग मिथुन तथा कन्या राशि में जन्मे हैं और आद्रा और मृगशिरा नक्षत्रों पर जन्मे हैं, उन पर प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, क्योंकि बुध की राशि है मिथुन और कन्या दोनों। इसके अंदर जो ग्रहण जो है ये गंड और वृद्धि योग, अच्छे योग है इनमें ये ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण है इसलिए सूर्य ग्रहण के बारे में कहा गया है। इसका प्रभाव जो है लगभग ग्रहण के दिन से 6 माह तक पड़ता है, 6 माह तक इसका असर होगा, लगभग 21 दिसंबर 2020। उत्तरायण में पड़ने वाला ग्रहण है, आषाढ़ी अमावस्या उस दिन, ग्रहण का मैंने बता दिया। अब मैं मीन लगन के ऊपर क्या असर होने जा रहा है इस ग्रहण का, वो बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मीन लगन के चतुर्थ भाव में ये ग्रहण पड़ेगा। लगन का राशि का जो शत्रु ग्रह सूर्य है ये चतुर्थ भाव में होगा, पंचमेश बुध के चंद्र के साथ होगा। इस समय कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, तो चंद्र और बुध दोनों ही ग्रह जो हैं कोरोना में सम्मिलित हैं बीमारी के लिए, यही दो मुख्य कारण हैं। और फेफड़ों पे असर हो रहा है, तो फेफड़ों की जगह पर ही ये असर होगा। तो जो लोग कोरोना से जुड़ रहे हैं, कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, उनमें से एक लगन राशि है
विशेष करके यदि आपकी आयु 45-50 से ऊपर है, आपको बुध की, सूर्य की, शनि या शुक्र इत्यादि की मारक दशाएं चल रही हो, यदि आपका जन्म 60-70 के समय भी हुआ हो, तो ये चीजें तनाव दे सकती हैं। मानसिक तनाव, लीवर और पाचन से जुड़ी समस्या, पेट से जुड़ी समस्या, अत्यधिक डिप्रेशन या क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, कफ होना और डिप्रेशन सा रहना, इसकी संभावना है। परंतु यदि आप पूरे उपाय करते हैं तो कोई बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में है। दिक्कत कहाँ हो रही है, क्योंकि लग्न में जो मंगल है, मीन लग्न में मंगल चल रहे हैं, उनकी दृष्टि इस पॉइंट पड़ रही है, और अंश जो है सूर्य, चंद्र, राहु इत्यादि और मंगल के सब बराबर है, तो हिंसक ग्रहण है। आपको करना क्या होगा, आप इस ग्रहण का सूतक जो है 20 जून को आरंभ हो जाएगा 9:16 रात्रि, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले हो जाता है। आपने इस दिन से ही जो है अपने मन को शांत करना है, शांत होकर इस प्रवृत्ति को शांत रखना है, अपना घर का जो मंदिर इत्यादि है उसको बंद कर लेना है। अगले दिन प्रातः आपने स्नान करना है गंगा जल डाल के 9:16 से थोड़ा पहले। यदि आप कुरुक्षेत्र या फाल्गुनी नाम की जगह है, कुरुकैथल में या हरिद्वार में, प्रयागराज में, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, किसी भी यदि आप रिवर के किनारे हैं तो आप वहां पे जाके तालाब इत्यादि में स्नान कर सकते हैं, अन्यथा अपने घर में गंगा जल डाल के 9:16 से पहले आप जो है ये स्नान कर लें। उसके बाद आप संकल्प कर लें कि मैंने ये मंत्र इत्यादि करने हैं, जिससे कि हमारी जो समस्याएं ग्रहण से हो सकती हैं उनका निवारण हो। और जो दान की सामग्री है वो भी आपने दान की सामग्री ला के रख लेनी है। दान का समय 3:04 पर जब ग्रहण खत्म हो जाएगा 5:40 के उपरांत, तब आपने दान करना है। क्या मंत्र कर सकते हैं आप, देखिए जैसे बुद्धि और मन सबके लिए ये ग्रहण खराब है, आपकी कुंडली में आपका माता का स्वास्थ्य, संतान का स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वास्थ्य, आपका क्रोध, आपका अपने स्वास्थ्य, आपका मन का विचलित होना व्यापारिक कारणों से, प्रेम संबंधों से, जीवन साथी से, हर प्रकार से, और कहीं पे शेयर मार्केट से जुड़े हैं, सट्टे से जुड़े, धन की समस्याएं मंगल के कारण, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, स्किन एलर्जी चल रही है, क्योंकि बुध जो है अस्त भी हैं और वक्री भी हैं, 12 जुलाई तक ये वक्री है और 10 जुलाई तक अस्त है। तो मानसिक तनाव इन क्षेत्रों को लेके, भूमि को लेके, जीवन साथी को लेके, माता को लेके, संतान को लेके, पिता को लेके, हर प्रकार से, शेयर मार्केट को लेके, सट्टे को लेके, धन से लेके, कोई नया काम शुरू नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना, शांत रहना है। तो इसके लिए जो है आप जो है कौन से मंत्र करेंगे, मंत्र इस प्रकार है, महामृत्युंजय ओम ओम जो सहा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् पूर्वारोपम् बंधनान् वित्तमुक्ते मा व्रतात् भूर्वा स्वर जूसा ओम ओम, ये अथवा 3 अक्षर का छोटा लघु मंत्र है ओम जूसा। इसके अतिरिक्त सबसे पहले गणेश मंत्र जरूर कर लें, ओम वक्र तुंडाय हूँ अथवा ओम कप गणपते नमः, थोड़ी देर करके फिर बाकी मंत्र करें। इसके अतिरिक्त आतिथ्य हृदय स्त्रोत्रम या लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र से जो भी आता है वो करना है। इसके अतिरिक्त जो है सूर्य से जुड़े मंत्र हैं, जैसे ओम ह्राम क्रीम क्रौम सा सूर्य नमः, अथवा ओम नमः नारायण, अथवा ओम नमः भक्ते वासुदेवाय, अथवा ओम विष्णुवे नमः, या सूर्य स्त्रोत्र स्त्रोत्र हैं वो, या कोई भी सूर्य से जुड़ा कोई स्त्रोत्र, क्योंकि मन स्थान पे लग रहा है तो मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम योग इत्यादि करके, सूर्य नमस्कार योग करके, अनुलोम विलोम करके फिर मंत्रों को करें। जैसे एक अवस्थी में 4 मंत्र होते हैं अनुलोम विलोम में, जैसे ओम नमः नारायण है, ओम नमः नारायण है, ओम नमः नारायण है, ओम नमः नारायण है, मैं तो बोल के कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, परंतु आपने मन के अंदर करना है ये सारे जाप करें। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, और चंद्र से जुड़े मंत्र हैं, सूर्य से जुड़े मंत्र मैंने आपको बता दिए, ये सब करें कुछ, क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति गायत्री से जुड़े हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे बुध इसके स्वामी हैं राशि के, ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्र इन्वॉल्व है ग्रहण में, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। गुरु लग्न के स्वामी हैं,
ओम अंगिरा साहेब विद्महे वाचस्पति धीमे तन्नो जीव प्रचोदयात। मंगल लगन में है ओम अंगार गाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमे तन्नो भाव प्रचोदयात। इन मंत्रों का जाप करें और ये मंत्र इसके उपरांत आज के दिन आराम करके 6 माह तक कम से कम करते रहे। अंत में जो है आपने दान करना होगा। दान क्या है? गेहूं, गुड़, साबुत मूंग, चने की दाल, केसर, सरसों का तेल, काले उड़, नमक, ये सारी सामग्री का आपने दान करना है। कैसे करना है? सामग्री को ले, जल से छींटा दे, कुमकुम चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, उसके बाद भगवान का ध्यान करके हर पैकेट को अपने सर के ऊपर 3 बार घुमाए, अपने ओरा से इंटरसेक्ट करते हुए ओम जू सहा अथवा ओम नमः नारायण मंत्र का जाप करते हुए आप ये सब कुछ करें। इसके उपरांत इस समान दान की सामग्री को किसी विद्वान ब्राह्मण या मंदिर गुरुद्वारे इत्यादि में दान कर दे। उसके उपरांत ये 3 बजे के 4 मिनट के आसपास करना है। इसके उपरांत जो है आपने स्नान करके भगवान को माथा टेक के आशीर्वाद मांगना है और आप देखेंगे सारे कष्ट सारे तनाव पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।